बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को प्रेजेंट किया है फ्रेडरिक टाइलर ने। इनके मुताबिक ऐसी मैनेजमेंट जिसके प्रिंसिपल साइंसी हो, साइंटिफिक हो, ऐसा ना हो कि इसके असूल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पुराने हो, कदीम, रवायती, या फिर जिसमें तहकीक ना हुई हो, ऐसे असूलों को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे असूलों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिसकी बुनियाद साइंस पे हो। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरफ, जिसको समझने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है इसका, वो है ऑल वर्क शुड बी डन इन लिमिटेड टाइम। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है, तमाम कामों को एक मखसूस वक्त के अंदर पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक काम को एक हफ्ते का टाइम दिया गया हो तो वो काम पूरा होने में दो हफ्ते लग जाए या फिर एक माह लग जाए, तो फिर ये साइंसी तरीका नहीं होगा। यानी उस काम को एक हफ्ते में ही पूरा होना चाहिए। जब वो एक हफ्ते में ही पूरा होगा तब जाके हम कहेंगे कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसके बाद नंबर टू है कि वर्क इज ब्रोकन इंटू पीसेस। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको स्टार्ट किया जाए। मैनेजमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग एंड द होल वर्क एंड वर्कर शुड मेड टू एग्जीक्यूट द टास्क। मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरे काम की प्लानिंग करे और उसके बाद जो वर्कर हैं, वर्कर उस प्लानिंग के मुताबिक टास्क तक पहुंचे। इसके बाद है मैनेजमेंट शुड बी ट्रेंड एंड शुड अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो लोग हों वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बाद इन लोगों को वो प्रिंसिपल, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने चाहिए। इसके बाद है वेजेस शुड बी अकॉर्डिंग टू आउटपुट। वर्कर्स को जो उजरत दी जाए वो उजरत काम के मुताबिक होनी चाहिए, आउटपुट के मुताबिक होनी चाहिए। इस थ्योरी का बड़ा मकसद साइंसी तरीके को अपनाते हुए पैदावार की यूनिट कास्ट को कम करना है, और इसके अलावा जॉब डिसिप्लिन, सख्त रूल्स और इंसेंटिव पे सिस्टम पर बहुत फोकस करती है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।